नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने हमेशा मेरे वीडियोस में सुना होगा कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि आजकल के ज़माने में लोगों में जितनी भी बीमारियां हैं उनमें से 50% बीमारियाँ लोगों के खराब रहन सहन यानी कि जीवन शैली के परिवर्तन और खान पान के परिवर्तन के कारण लोगों में उत्पन्न हुई हैं। उन्हीं में से एक बीमारी होती है दोस्तों, कब्ज। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये अनुभव किया है दोस्तों कि आज के ज़माने में जितने भी पेशेंट मेरे पास आते हैं उनमें हर घर में लगभग 2 से 3 मरीज ऐसे होते हैं जिनको कि कब्ज की प्रॉब्लम होती है। तो ये कब्ज होती क्या है? कब्ज का मतलब होता है कि पेशेंट को मल त्याग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का अनुभव होना या फिर मल इतना ज़्यादा कड़क होना कि वो 2-2, 3-3 दिन तक पास आउट ही नहीं होता है और सीवियर केसेस में तो 7-8 दिन तक भी पेशेंट को फ्रेश होने जाने की इच्छा नहीं होती है, यानी कि वो स्टूल पास आउट करने की ही जो इच्छा होती है एक सामान्य व्यक्ति के अंदर, वो उसके अंदर होती ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि कब्ज आंतों में परिवर्तन की वो स्थिति है जिसमें कि व्यक्ति का जो मल है वो कड़क हो जाता है, जो स्टूल है वो एकदम हार्ड हो जाता है, या फिर उसके निष्कासन का जो समय होता है यानी मल निकलने का जो समय होता है कई सारे पेशेंट्स में 2-3 दिन और कई सारे पेशेंट्स में 7-8 दिन तक हो जाता है। इस सारी कंडीशन को ही कब्ज कहा जाता है। यदि हम कब्ज के लक्षणों की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि पेशेंट को फ्रेश होने की इच्छा ही नहीं होती है, उसको मल पास आउट करने की यानी स्टूल पास आउट करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। दूसरा सिम्टम होता है कि जब वो पास आउट करने के लिए जाता है यानी कि जब वो लैटरिन करने जाता है तो उसकी जो लैटरिन होती है वो बहुत कड़क होती है, बहुत हार्ड होती है। होम्योपैथी में तो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनकी जो लैटरिन होती है वो एकदम बॉल जैसी होती है, कुछ मेडिसिन में कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें पेशेंट की जो लैटरिन होती है वो बकरी की लैटरिन के जैसी होती है, छोटी छोटी बॉल्स के रूप में होती है। तो होम्योपैथी में तो इतनी सारी मेडिसिन हैं जिनमें कब्ज के अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं। यदि हम इसके तीसरे सिम्टम की बात करते हैं तो ये देखा जाता है कि इसके पेशेंट को भूख बिल्कुल नहीं लगती। ऑब्वियस सी बात है, यदि किसी पेशेंट को आंतें जो खाली होना चाहिए वो आंतें खाली नहीं होंगी तो उसको सीधी सी बात है कि भूख उसको नहीं लगने वाली, और इस भूख ना लगने के कारण उसको दिन भर पेट में बड़ी बेचैनी सी रहती है और स्टूल भी चूंकि उसका पास आउट नहीं हुआ है इसके कारण उसे बहुत ज़्यादा घबराहट अंदर से फील होती है और उसे ऐसा लगता है कि फिर थोड़ी थोड़ी देर में वो कोशिश करता है कि वो स्टूल पास आउट करके आए, लेकिन कब्ज के कारण वो ऐसा करने में सक्सेसफुल नहीं होता है। इसके अलावा चूंकि उनमें इंडाइजेशन भी है तो उनके मुंह में अजीब सा कड़वा मटमैला सा स्वाद रहता है। जीभ यदि इन पेशेंट्स की देखेंगे तो अलग अलग कलर की जीभ देखने को मिलती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और जिन लोगों को लिवर उसके साथ एसोसिएटेड होता है इंडाइजेशन के साथ, उन लोगों की जो जीभ होती है वो येलोइश टिंज लिए होती है, कई बार तो डार्क ब्राउन कलर की जीभ पे कोटिंग जम जाती है, तो ये इंडाइजेशन और कब्ज के कारण ही होता है। इसके अलावा कई लोगों की जीभ पे सफ़ेद कलर की कोटिंग जम जाती है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, ये सब इंडाइजेशन के कारण होता है और कब्ज के कारण होता है। तो अब सबसे प्रमुख क्वेश्चन दोस्तों ये उठता है कि आखिर लोगों में ये कब्ज क्यों होती है? तो दोस्तों इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और सबसे पहला कारण होता है कि हमारे खाने में फाइबर्स की कमी होती है। हम लोग आजकल जो खाना खा रहे हैं वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि उसमें फाइबर्स बिल्कुल भी नहीं रह गए। हम लोगों को फास्ट फूड खाने की आदत हो गई है, नॉनवेज खाने की आदत हो गई है, हम लोगों ने हरी सब्जियां खाना बिल्कुल बंद कर दिया है, फलों को खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। ये जो फल और हरी सब्जियां होते हैं दोस्तों ये हमारी बॉडी में पहुंचकर हमारे बॉडी को फाइबर उपलब्ध कराते हैं। इन फाइबर्स का काम आप लोग जानते हैं? ये जो फाइबर्स होते हैं ना ये हमारी आंतों की जो मूवमेंट होते हैं उस मूवमेंट को सही करते हैं, उस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। जो खाना कहीं पे अटका हुआ है उस खाने को फाइबर्स जाके चूंकि उनको डाइजेस्ट तो होना नहीं है इसलिए वो जो फाइबर है वो खाने को आगे बढ़ाते हैं, उसको धक्का देते हैं। अब यदि आप फाइबर खाओगे ही नहीं तो आपका जो खाना है वो आंतों में एक जगह अटका रहेगा। इसके कारण हमें फाइबर खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेशेदार फल, रेशेदार सब्जियाँ, हरे पत्तेदार सब्जियाँ, ये सब हमारे खाने में होना चाहिए और इनकी कमी ही आंतों में कब्ज का कारण बनती है। इसका दूसरा कारण होता है दोस्तों शारीरिक निष्क्रियता यानी कि फिजिकल एक्टिविटी की कमी। जो लोग दिन भर एक जगह कुर्सी पे बैठे रहते हैं, जो लोग दिन भर अपनी शॉप पे बैठे रहते हैं, जो लोग दिन भर सोते रहते हैं, जो लोग दिन भर बहुत कम काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर होती है, उन लोगों में कब्ज की समस्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और होम्योपैथी में या मेडिकल साइंस में इस लाइफस्टाइल को सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहा जाता है।
तो जिन लोगों की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उन लोगों को निश्चित सी बात है उनकी आंतें मूवमेंट नहीं करेंगी, उनकी आंतें जो हैं वो अपनी नॉर्मल जो रिदम है उसको खो देंगी, और जब उनकी आंतें मूवमेंट करेंगी ही नहीं तो जो डाइजेशन जितना होना चाहिए, जितने खाने का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए उतना तो होगा नहीं, और जो डाइजेस्ट हो चुका है, जो बड़ी आंत में पहुंच गया है, कोलोन में पहुंच गया है, वहां पे वो वहीं के वहीं अटक के रह जाएगा। तब जब वो खाना वहां पे अटक जाता है तब इस बीमारी का तीसरा कारण वहां पे उत्पन्न होता है, और वो कारण होता है कि बड़ी आंत में जो खाना है उससे पानी ज्यादा मात्रा में अवशोषित हो जाना। अब देखिए, बड़ी आंत का तो काम है कि जो खाना डाइजेस्ट हुआ है और डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि बड़ी आंत में यानी कि कोलोन में आया है, वो वहां से जो पानी के कण हैं उनको अवशोषित करवाना है। ये बड़ी आंत का काम है। बड़ी आंत अपना काम तो करेगी। अब यदि आपका खाना वहां ज्यादा देर पड़ा रहेगा तो वो पानी जितना होना चाहिए नॉर्मल उससे ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि उसका काम है, वो अपना काम सही तरीके से कर रही है, और पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी तो जो स्टूल बनना था जिसको थोड़ा सॉफ्ट होना था वो स्टूल में से पानी निकल गया तो स्टूल बिल्कुल एकदम कड़क हो गया। अब कड़क हो गया तो यही कब्ज हो गई। जैसा कि मैंने अभी आपको सिम्टम बताया था कि इसका एक सिम्टम होता है कि लोगों को पास आउट करने में, स्टूल पास आउट करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। ये प्रेशर क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि उनका जो मल है उसमें पानी ही नहीं बचा, मल एकदम सूख गया है। मैंने अभी बोला था कि बॉल के जैसा मल हो जाता है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, ब्राइनिया का पेशेंट होता है, हार्ड बॉल के रूप में उसका स्टूल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पानी नहीं पी पा रहा है इसके कारण, और जितना पानी वो पी रहा है वो पानी स्टूल के साथ जो मिल रहा है वो बड़ी आंत उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि उसका काम है एब्जॉर्ब करना। तो ये एक इसका तीसरा कारण होता है। इसके अलावा दोस्तों इसका चौथा कारण होता है बहुत सारी दवाइयों का उपयोग करना। आजकल के जो व्यक्ति हैं वो किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई केमिकल युक्त दवा खा रहे हैं, चाहे वो बीपी की दवा खा रहे हों, चाहे वो डायबिटीज की दवा खा रहे हों, चाहे वो दर्द निवारक दवाएं खा रहे हों। और दर्द निवारक दवाएं खाने का तो भारत में एक क्रेज है लोगों के मन में कि उनको थोड़ा सा भी सिर दुखता है और उन्होंने जल्दी से दर्द निवारक दवा खा ली, उनको थोड़ी सी भी नींद नहीं आई और उन्होंने जल्दी से जाके एक टैबलेट खा ली एंटैक्स करके। सबके घरों में एंटैक्स आजकल बड़ी अवेलेबल है, एंटैक्स 0.25 वो अपने घर पे रखते हैं और उसकी एक जो टैबलेट है एल्प्राजोलम वो खा लेते हैं और उनको बड़ी अच्छे से नींद आ जाती है। तो आप जानते हैं ये जो दवाएं आप खाते हैं ये आपकी आंतों में जाके आंतों की गति को कम कर देती है, और जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि आंतों की गति कम होने से ही कब्ज होती है, तो इनडायरेक्टली आप अपने शरीर में ये जो दर्द निवारक दवाएं हैं, ये जो नींद आने वाली दवाएं हैं, ये जो खांसी की दवाएं हैं, खांसी की जो दवा होती है ना दोस्तों जिसमें कोडीन मिला होता है, कोडीन सल्फेट, कोडेक्स नाम की एक मेडिसिन आती है जिसमें कोडीन सल्फेट मिला है, ये कोडीन सल्फेट आपकी बॉडी में जाके आपकी आंतों के मूवमेंट को बिल्कुल खत्म कर देती है और उसके कारण आपको कब्ज हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जिन लोगों को खांसी की प्रॉब्लम होती है वो खांसी के लिए उन्होंने कोडीन सल्फेट की टैबलेट खाई और इधर दो दिन बाद उनको कब्ज की समस्या होना शुरू हो जाती है। तो ये जितनी जो दवाइयां होती हैं ये जाके हमारी आंतों को बिल्कुल कमजोर बना देती हैं, आंतों के मूवमेंट को कम कर देती हैं, और ये कब्ज होने का चौथा कारण होता है। इसके अलावा दोस्तों एक और रीजन कब्ज होने का होता है कि कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स सूट नहीं करते हैं, यानी कि वो पनीर खाते हैं या वो दूध पीते हैं या वो दही खाते हैं तो वो चीज़ें उनको सूट नहीं करती हैं जिसके कारण उनको कब्ज हो जाती है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कि दूध पनीर दही इन सब चीज़ों से डायरिया हो जाता है, तो वो अलग लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इन सारी चीज़ों के कारण कब्ज हो जाती है। इसका अगला रीज़न होता है दोस्तों प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको कि कब्ज की शिकायत हो जाती है, ये उनके अंदर होने वाले हार्मोनल चेंजेस के कारण ऐसा होता है। तो इतने सारे रीजन होते हैं दोस्तों कब्ज होने के। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर हम कब्ज होने से किस तरह से बच सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका जो है वो है दोस्तों कि अपने खाने में फाइबर को शामिल करें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको यही बात बोली थी कि जो लोग अपने खाने में रेशेदार फल और रेशेदार सब्जियों का, हरे पत्तेदार सब्जियों का उपयोग नहीं करते हैं उनको हमेशा कब्ज की प्रॉब्लम रहती है। दूसरा तरीका है दोस्तों कि मैदा जो वाले पदार्थ होते हैं यानी कि नूडल्स हो गए आपके या तंदूरी रोटी वगैरह, ये जो तंदूर से बने हुए मैदा के बने हुए जो खाने के आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा बचना है, क्योंकि ये मैदा जाके आपके शरीर में आपकी आंतों में चिपक जाता है और वहां पर आंतों का मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है, इसके कारण आपको इनसे भी बचना है। तीसरा इसका रीजन होता है दोस्तों कब्ज से बचने का और कब्ज को ठीक करने का कि अपने शरीर की फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है।
आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। अपने अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हम कब्ज को ठीक करने के लिए किन होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।